नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नागपुर जिले की पार्श्विनी एवं रामटेक तहसील को जल्द ही 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मेट्रो ट्रेन मिलने वाली है, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किए जाने के बाद पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना है। रामटेक के ऐतिहासिक भूमि पर एक और रोपवे निर्माण प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू है, तो वहीं दूसरी ओर जल्द ही रामटेक में 140 किलोमीटर रफ्तार वाली मेट्रो ट्रेन भी मिलने वाली है, जिसको लेकर एक साल में काम पूरा होने की संभावना है। रामटेक आने वाले मेट्रो ट्रेन से कामटी, कनान, आमडी, मंसर सहित रामटेक के नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें व्यापारियों को सामान लाने के लिए अलग से एक कोच लगाया जाएगा। इस मेट्रो ट्रेन में कुल 6 डिब्बे होंगे। गडकरी साहब ने 2017-18 में कनान में कांद्रे बोले थे, उन्होंने सार्वजनिक सभा में बोले थे। पहले प्रथम चरण में साई मंदिर आड़ा पुल कनान तक आएगा और उसके बाद दूसरे चरण में रामटेक तक आएगा। हम स्वागत करते माननीय श्री नितिन गडकरी साहब का दूरदृष्टि है। वो अमरावती तक, काटोल तक, इधर भंडारा तक, सब जगह वो मेट्रो रेल चलाना चाहते, लोगों को नागपुर से, उद्योग जगत से जोड़ना चाहते, रोजगार से जोड़ना चाहते। मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो है जो नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्षा, फिर नागपुर से यवतमाल और नागपुर से रामटेक और ये सब रोड पर चलेगी और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रामटेक से अजय मेहरकुड़े की रिपोर्ट। के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं